नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, दरभंगा जिला के जो हमारे ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान थे, उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के रूप में लगातार काम करते रहे। अभी उनका गया जिला ट्रांसफ़र हो गया है, जिसमें विभिन्न जितने उनके कर्मचारी हैं, बॉडीगार्ड हैं, सभी लोग पाग चादर से सम्मानित कर रहे हैं। और कुछ पुलिसकर्मी जो उनके बॉडीगार्ड हैं, खासकर कमलेश जी, उनके आंखों में आंसू भी आ गए हैं। किसी ने श्रीमद् भागवत गीता का देकर उन्हें आश्वासन दिया और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी शुभकामनाएं दिए। यहाँ का आपका कार्यकाल रहा, क्या कुछ यादें लेकर जाएंगे? मैं 26/2/2019 को यहाँ पहले पुलिस उपाधीक्षक यातायात के रूप में अपना योगदान दिया। इसके पूर्व इंस्पेक्टर यहाँ के ऑल इन ऑल जो सीनियर ऑफिसर ट्रैफिक के हुआ करते थे और वही संचालन किया करते थे। मेरे आने के बाद एक इंस्पेक्टर जो कुछ दिन तक कार्यरत रहे, उनका स्थानांतरण मधुबनी जिला हो गया। उसके बाद से कोई इंस्पेक्टर यहाँ यातायात में रह नहीं गए। एक थाना प्रभारी और 4-5 प्राधिकारी पूर्व में रहे थे, वर्तमान में तो 2 प्राधिकारी है। लगभग 27 पोस्ट कार्यरत है इस ट्रैफिक थाना में और वर्तमान में लगभग 62 सिपाही। स्थानांतरित होकर बीसेफ्ट थ्री बोधगया में स्थान करेंगे हमारे वर्तमान ट्रैफिक डीएसपी श्री बिरजू पासवान जी। 1.25 साल करीब इनके साथ हमको यहाँ काम करने का, इनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इनका कार्यकाल हालांकि दरभंगा में करीब 4.25 साल का बहुत लंबा टेन्योर रहा है। और इस 1.25 साल में, 1.5 साल में जो भी हमने देखा है इनको, और इनके ऊपर अतिरिक्त भार भी था डीएसपी हेडक्वार्टर का भी इस ज़िले में चलाना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। हेडक्वार्टर डीएसपी का चार्ज, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे चीज़ों के नोडल अफसर होते हैं हेडक्वार्टर डीएसपी। फिर हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम भी उनको देखना होता है, कई सारे आयोगों का काम देखना होता है, और ट्रैफिक व्यवस्था दरभंगा की देखना, उसको सुचारू रूप से चलाना, दोनों ही टास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और कठिन, और इन दोनों का निर्वहन इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, बखूबी से किया। कहीं से कोई शिकायत किसी को नहीं है, हमें तो नहीं है, बाकी किसी को इनके अधीनस्थ जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको भी कोई शिकायत इनसे नहीं रही। जो जनता है यहाँ की, उन्होंने भी कभी इनके बारे में कोई शिकायत नहीं की, हमेशा तारीफ ही करते रहे। इनका कार्यकाल ऐसे सेवा भी बहुत लंबी पुलिस सेवा में ये रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक है ईश्वर की कृपा से। जहाँ भी रहेंगे बहुत अच्छे से काम करेंगे ये। हम इनको और इनके परिवार को इनके सुखद, स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। प्रोफेशनली तो आप जहाँ भी रहेंगे अच्छा करेंगे, ये पूरा भरोसा है, बट आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ सकुशल रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं।